पाकिस्तान के लिए आज शानदार दिन था और जिसको कहते हैं ना ऑन द कस्प ऑफ विनिंग द सीरीज, इसलिए कि इंग्लैंड के हालात बहुत टाइट हैं, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 77 रन की लीड पाकिस्तान ने हासिल की। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन की लीड इंग्लैंड ले जाएगा, मगर बहुत ही आला कमबैक किया। सऊद शकील की टाइमली 100, शानदार बैटिंग करते हैं स्पिन के खिलाफ, बेताज बादशाह हैं स्पिन को खेलने के हिसाब से और तसल्ली से खेलते हैं, तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलते हैं, टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है। और उनका प्लान था और प्लान यही था कि डीप खेलना है, टेलेंडर्स के साथ ठीक खेलना है। टेलेंडर्स ने इनका भरपूर जो है इनके साथ ताबून किया, पता नहीं उनको टेलेंडर्स भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, नुमान को और साजिद खान को, क्योंकि प्रॉपर बल्लेबाजों की तरह उन्होंने बैटिंग की, यानी कि 1 डायमेंशनल हिटिंग नहीं थी या कोई पैनिक नहीं था या पिच नहीं खेली उन्होंने बॉल को खेला, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाला और एक तड़प थी कि हम कुछ करके दिखाएंगे। इस सीरीज में बैट और बॉल के साथ दोनों ने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं, साजिद और नुमान ने, और मेरी किताब में ये दोनों ही मैन ऑफ द सीरीज हैं। और सऊद शकील ने जिस अंदाज से एक तरह से अपने बबल में रह के बैटिंग की है और घबराहट का शिकार नहीं हुए, बहुत ज्यादा सिंगल्स डबल्स लिए, चौके ज्यादा नहीं मारे हैं क्योंकि इजी पैसेज दिया हुआ था इंग्लैंड ने उनको। बेन स्टोक्स की कप्तानी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि एक वक्त में कोई जब 80 रन किए थे सऊद शकील ने, सो उस सीक्वेंस में कोई 60 सिंगल्स उन्होंने लिए थे, मगर बेन स्टोक्स ने ना अपनी कोई फील्ड प्लेसमेंट बदली, ना उन्होंने कोई खास बॉलिंग चेंजेस किए, लंबे लंबे स्पिनर से स्पेल करवाते रहे और इन दी एंड जो ये मुकाबला टाइट चल रहा था वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड पे प्रेशर डाल दिया और बहुत ही एक सब्सटेंशियल लीड ले ली। बॉलिंग भी जो है वो उस तरह से इंग्लैंड के स्पिनर स्पिन नहीं करते जैसे पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किया है आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, और बैटिंग में भी उस तरह की स्पिन जो है वो जैसे कि पाकिस्तान ने स्पिन के अगेंस्ट एक हिकमत अमली बनाई हुई थी, वो भी बड़ी फ्लॉप शो रहा उनका। सो दोनों तरफ से स्पिन को खेलने के हिसाब से और स्पिन बॉलिंग करने के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत पीछे रहा इन 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड, और अब ऑन द कस्प ऑफ समथिंग ग्रेट है पाकिस्तान। कोशिश यही कल करनी है कि पहले सेशन में ही इंग्लैंड को किसी तरह से आउट करे। ये पिच अभी भी खेलने के बहुत अच्छी लायक है और एंटरटेनिंग, जैसे मैंने कहा, डे था, 10 विकेटें गिरी, 250 से ज्यादा रन हुए, सो ये बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल को भी देखने को मिला। तो इंग्लैंड के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के लिए राहत ही राहत है।